हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप इजीली इंस्टाग्राम रील्स पे 4K वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हो। गाइस, यहाँ दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि अगर आपकी वीडियो पहले ही से 4K या फिर अच्छी क्वालिटी में, तो आप इंस्टाग्राम पे उसे हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड कर सकते हो। गाइस, दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर आपकी ब्लरी वीडियो है या फिर थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो उसे आप इजीली अच्छी क्वालिटी में कैसे कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बताते हैं कि आप इसे इजीली कैसे कर सकते हो। हमारे पे तो आप देख रहे हो टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। गाइस, बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक वीडियो है जो इस समय काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है, ठीक है। तो इसे हम कैसे ऐड करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद गाइस, हमें एक ऑप्शन मिलता है जब हम अपनी अपलोड करते हैं एडवांस सेटिंग जाके, कि अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी। अभी ये इंस्टाग्राम ये कोशिश करता है कि इसे आपकी हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड करने की कोशिश करेगा, बट बेसिकली कभी कभी इंस्टाग्राम की क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है। अब गाइस, इसके भी दो रीज़न होते हैं। एक बेसिकली ये होता है, जो भी आपकी बंदा वीडियो देख रहा है, अगर उसका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो उसे उसी क्वालिटी में वीडियो दिखेगी जिस हिसाब से उसका नेटवर्क कनेक्शन आ रहा होगा। सपोज़ करो, अगर जैसे मेरा 4G या 5G में अच्छा चल रहा है, तो मुझे आपकी वैसी ही वीडियो दिखेगी। तो नहीं गाइस, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे मानते हैं, आईफोन में 4K क्वालिटी का ऑप्शन आता है जब भी वो अपलोड करते हैं, बट इंस्टाग्राम के एंड्रॉयड में ऐसा नहीं आता है। तो आप बेसिकली स्टैंडर्ड करके जो इंस्टाग्राम का APK है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में इसे बता रखा है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी में है, तो उससे आपका बिल्कुल वैसे ही वीडियो अपलोड होगी। तो स्टैंडर्ड एक तरह से APK है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं जिनकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो वो अपनी वीडियो क्वालिटी कैसे अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हो, जैसे कि एक वीडियो है, मैंने कुछ ही सेकंड का पार्ट लिया, तो ये ज़्यादा अच्छा मतलब नहीं दिख रहा है, ठीक है, ब्लर भी लग रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो इसे कैसे सही कर सकते हैं, चलो तो बताते हैं। जैसे इस फोटो पर क्लिक करो, इस मतलब वीडियो या फोटो जो भी आपकी है, उसके बाद एडजस्टमेंट पर जाओ। इसके बाद आपको गाइस ये ग्राफ देखने को मिल जाता है। अभी इसमें इसका ये जो पॉइंट है ना, इसे ऊपर कर दो और ये बात वाले पॉइंट को नीचे कर दो। ऐसा आपको सबके साथ करना है, जैसे ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो सबके साथ आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। सो गाइस, इसका एक और तरीका होता है इसकी वीडियो क्वालिटी अटेंड करने का, जो कि है गाइस एलाइट मोशन। बट उसका तरीका थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैंने उससे नहीं बताया। बट अगर आप कहते हो, तो उससे वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप कहते हो, तो मैं अगली वीडियो में वो बता दूंगा। गाइस, इसे करने के बाद आपको इसे राइट टिक पे क्लिक कर देना है एंड गाइस, आपको इधर से एक इफेक्ट ले लेना है, ठीक है। इफेक्ट ब्लर वाला होगा, तो इफेक्ट कैसे चूज़ करोगे आप, इजीली मतलब बैक आओगे तो इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप वीडियो इफेक्ट में जाके गाइस बेसिक वाले ऑप्शन जाके ब्लर का यूज़ करना, ठीक है। अगर आप कैप कट यूज़ करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप ये मतलब ये कोई भी यूज़ नहीं कर पाओगे इफेक्ट वगैरह, इससे पहले आपको VPN कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये सब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसे इतना ही रहने दो और राइट टिक पे क्लिक कर दो। इतना करने के बाद गाइस आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी सेम ओरिजिनल वाली फ़ोटो ले लेना है, उसके नीचे आप ओवरले पे जाके अपनी जो आपने एक्सपोर्ट करी है वीडियो अभी उसे चूज़ कर लेना है। कि मैंने ये एक्सपोर्ट करी थी, तो मैं इसे ले लेता हूँ एंड इसे आप ईजिली ऐसे फिट कर लेना है, ठीक है, पूरे अपने उस पर। सो गाइस, जैसे ही आप ये कर लेते हो, इसके बाद आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, मतलब जो आपने ओवरले करा है। उसके बाद आपको स्पाइस वाले ऑप्शन पर जाना है एंड इधर से आपको बर्न पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इसे धीरे धीरे कम करना है गाइस, आपको करीब इसे 24 तक रख लेना है, ठीक है गाइस। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आपको एक वाइट ओवर ले लेना है। तो उधर आप स्टॉक वीडियोस पे आओगे, तो आपके इधर एक वाइट ओवर ले मिल जाएगा। इसे भी गाइस आपको अपने पूरे वीडियो पर फैला लेना है या फिर जो भी फोटो आपकी रहती है। उसके बाद स्प्लाइस पर जाओ एंड ओवर ले वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करो एंड इस ओवर ले को थोड़ा सा कम करो, ठीक है। एंड इसके बाद आपको बस लास्ट काम बचता है, जो आपको वीडियो क्वालिटी है, इस पर आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पर आना है। एंड गाइस, ईजिली आप इधर से क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा अपना सेचुरेशन और एक्सप्लोजर बढ़ा लोगे, जिससे आपकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी इस वीडियो की। शार्पनेस बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी वीडियो काफ़ी शार्प दिखेगी। शार्पनेस आप अपने वीडियो के हिसाब से बढ़ाना है, जैसे मैं शार्पनेस पूरी भी बढ़ा दी, तब भी थोड़ी वीडियो अच्छी ही लग रही है, इसलिए मैंने इसे पूरा करा। सो गाइस, बिफोर आफ्टर भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना। बस इतना ही था वीडियो में। अगर कोई और क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो।